गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर 3 का द ब्राह्मण एंड द 3 चीट्स इसकी आधी स्टोरी हमने समझी थी। आइए चलिए आज नेक्स्ट स्टोरी हम उसको समझते हैं। यहाँ से देखिए, द फर्स्ट पर्सन वेंट टू द ब्राह्मण एंड सेड, आर यू वॉशरमैन दैट यू आर पुलिंग अ डंकी। द ब्राह्मण वॉज एनॉयड एट बींग मिस्टेकन एज अ वॉशरमैन, बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम एंड वेंट ऑन। देखिए, जब उस फर्स्ट ट्रिकस्टर ने, उस फर्स्ट पर्सन ने उस ब्राह्मण के पास गया और उससे क्या कहता है कि क्या तुम धोबी हो जो इस गधे को लेकर जा रहे हो, तो उस ब्राह्मण को उस फर्स्ट पर्सन की बातों पर गुस्सा तो आया कि वो मुझे वॉशरमैन कह रहा है, धोबी कह रहा है, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वह चल दिया। फिर देखिए, अ लिटिल लेटर द सेकेंड ट्रिकस्टर वॉज वेटिंग ऑन द वे, हाउ शेमफुल द सेकेंड पर्सन सेड, बींग अ होली ब्राह्मण यू आर पुलिंग अ डॉग। देखिए फिर क्या होता है, जब वो थोड़ी दूर और गया तो उसने जो सेकेंड ट्रिकस्टर था वो उसका वेट ही कर रहा था रास्ते में। तो देखिए, वो दूसरा जो पर्सन था, सेकेंड पर्सन था, वो उसने क्या बोला, हाउ शेमफुल, यानी कितनी शर्म की बात है कि तुम एक ब्राह्मण होते हुए, धार्मिक ब्राह्मण होते हुए एक डॉग को लेकर जा रहे हो, कुत्ते को लेकर जा रहे हो। तो द ब्राह्मण वॉज कन्फ्यूज्ड, ही चेक द गॉट वंस मोर, इट वॉज रियली अ गॉट एंड नॉट अ डॉग, सो ही वेंट ऑन। फिर देखिए क्या होता है, वो ब्राह्मण जो है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन की बातों सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया और उसने अपने गॉट को दोबारा चेक किया, पर वो तो एक गॉट था ना कि कोई डॉग, तो वह दोबारा चल दिया। सम डिस्टेंस लेटर ही मेट द थर्ड ट्रिकस्टर। फिर देखिए, कुछ दूरी और चला ना, तो उसे तीसरा जो ट्रिकस्टर था, चालबाज व्यक्ति था, थर्ड पर्सन, वो उसे मिला। उसने क्या कहा, वाई आर यू पुलिंग अ वाइल्ड एनिमल विद यू, आस्क्ड द ट्रिकस्टर। नाउ द ब्राह्मण वॉज टोटली कन्फ्यूज, ही वॉज अफ्रेड दैट इट वॉज अ डेविल एनिमल विच टुक डिफरेंट फ्रॉम ran away leaving the god behind। फिर देखिए, जब कुछ दूरी पर चला वो, तो उसे तीसरा पर्सन मिला, थर्ड ट्रिकस्टर मिला। उसने क्या कहा कि तुम क्यों ये एक जंगली जानवर अपने साथ लेके जा रहे हो, तो जो ब्राह्मण था वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया। अब तो वो थोड़ा डर भी गया कि वाकई में ये कोई राक्षस जैसा कोई जानवर तो नहीं है जो बार बार हर टाइम मतलब अपना रूप चेंज कर रहा हो, या फिर बार बार कुछ डिफरेंट फॉर्म में आ रहा हो। तो उसने क्या करा, उसने वो डर के मारे उसने उस गॉट को वो छोड़ के भाग गया। फिर देखिए, द थ्री ट्रिकस्टर लाफ्ड एंड द ब्राह्मण। फिर उसने देखिए, इस जो थ्री ट्रिकस्टर थे, जो चालबाज लोग जो लोग थे, वह हंसने लगे जब वो ब्राह्मण अपने गॉट को छोड़ के भाग गया था ना डर के। तो फिर आगे क्या करा, देखो उन्होंने, दे सोल्ड द गॉट इन द मार्केट एंड डिवाइडेड द मनी अमंग देमसेल्फ। फिर उन्होंने क्या करा, उस गॉट को मार्केट में बेच दिया और जो पैसे आए उन्होंने अपने आधे आधे बांट लिए, आपस में आधे आधे पैसे बांट लिए। तो बच्चों, ये कैसी लगी स्टोरी आपको? इसलिए बच्चों, अपने ऊपर भरोसा रखा करो, ना कि दूसरों पर। जैसे अगर ये ब्राह्मण अपने ऊपर भरोसा रखता तो ये अपनी गॉड को छोड़कर भागता नहीं, ठीक है। जैसे कि इन तीन पर्सन ने उस ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाया और उसकी गॉड उससे ले ली और ब्राह्मण बेवकूफ़ बन गया। तो बच्चों, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आपको कोई दूसरा बेवकूफ़ ना बना सके, कोई चीट नहीं कर सके, ठीक है बच्चों। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप ये पूरी स्टोरी एक बार रीड करेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। ओके, बाय।